नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बेटू पॉलिटेक्निक पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप कैसे SBT बिहार पर अगर रीएवेलुएशन के लिए अप्लाई किए थे तो अपना रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं। रिजल्ट जो है वो प्रकाशित कर दिया गया है, यानी कि जिन भी स्टूडेंट्सों का रीएवेलुएशन में अप्लाई किए थे उनका अपडेट कर दिया गया है, या तो उनके रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, या फिर जिनका हुआ है तो अपना अगर रोल नंबर रोल कोड डाल करके SBT ऑनलाइन के वेबसाइट पे आप चेक कीजिएगा तो आपका रिजल्ट में परिवर्तित हुआ हुआ नया रिजल्ट डाउनलोड होगा, और जिनका नहीं हुआ है उनका पुराना वाला ही रिजल्ट रहने वाला है। तो आप सभी को ये भी पता चल चुका है कि रिजल्ट को चेक कैसे किया जाए। रिजल्ट को आपको पहले आप जिस प्रकार से सेमेस्टर का रिजल्ट डाउनलोड करते थे उसी प्रकार से आपको रीएवेलुएशन का भी रिजल्ट चेक करना है। अप्लाई करने का एक प्रोसेस अलग था, ठीक है, स्क्रूटनी के लिए रिवेलुएशन के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस दूसरा था, जिसमें आपका 1500 का पेमेंट करना पड़ता था, फिर कॉलेज में जा कर के वहाँ पे सबमिट करना पड़ता था। लेकिन रिजल्ट चेक करने का जो इस प्रक्रिया है वो आपका सेम है, आप पहले जैसे रिजल्ट चेक करते थे उसी प्रकार से अभी भी चेक करने हैं। मैं आप सभी को बता दूँ कि आप सभी का रीएवेलुएशन का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। आपको क्या करना है तो अपने संस्थान के परीक्षा नियंत्रक या HOD, अपने शाखा के HOD से संपर्क करना है और उनसे रिजल्ट मांगना है, कि पता करना है कि उनके रिजल्ट में सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, वो उनको पता चल चुका है, ठीक है। जिनका रीएवेलुएशन में कोई परिवर्तन नहीं पाया गया है उनकी सूची जो भी आपके कॉलेज है SBT द्वारा आपके कॉलेज को 22/3 आज ही भेज दिया गया है। कहाँ पे भेज दिया गया है तो सभी राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज व निजी प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं उन सभी को भेज दिया गया है। यानी कि जिन भी स्टूडेंट्स का रोल नंबर के साथ मेंशन है मैं वो भी ईमेल भी आपको बताऊँगा, जिसमें जो SBT द्वारा भेजा गया है एक ईमेल कि इन इन कॉलेजों में, मतलब जो भी कॉलेज है उस कॉलेज को ईमेल कर दिया गया है SBT द्वारा कि इन इन स्टूडेंट्सों का सुधार नहीं हुआ है, ठीक है, और बाकी जिनका भी रोल नंबर मेंशन नहीं है वो अपना उनका रिजल्ट में सुधार हुआ है और रिएवोल्यूशन के लिए परिवर्तित हुआ है जिनका भी स्टूडेंट्स का यहाँ पे रिजल्ट, वो लोग इस वेबसाइट पे आपको जा कर के अपना रोल नंबर डालिए और रिजल्ट को डाउनलोड कीजिए, आपके रिजल्ट में सुधार हुआ है, परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो चलिए मैं आप सभी को, आपको पहले किस प्रकार से इस वेबसाइट पे आना है आपको पता ही होगा। SBT बिहार लिख करके आप सर्च कीजिए, SBT ऑनलाइन लिख करके सर्च कीजिए। ये जो पहला वेबसाइट दिख रहा है यही आपका SBT ऑनलाइन का वेबसाइट है। SBT बिहार में आप लोग जिस प्रकार से सेमेस्टर का रिजल्ट चेक करते थे उसी प्रकार से अपना रोल नंबर रोल कोड डालिए, गेट रिजल्ट पे क्लिक कीजिए, आपका रिजल्ट में अगर परिवर्तन हुआ है तो न्यू वाला रिजल्ट, नहीं हुआ है तो पुराना वाला ही रिजल्ट यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो ये तो थी रिजल्ट चेक कैसे करें। अब जिन भी स्टूडेंट्सों का यहाँ पे रिजल्ट में सुधार नहीं हुआ है, SBT किस प्रकार से कॉलेज को नोटिस भेजती है वो मैं आप सभी को पहले बता देता हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुंगेर का ईमेल आईडी है, यहाँ पे sbte.patna@gmail द्वारा ईमेल भेजा गया है, ठीक है, ये ईमेल भेजा गया है मुंगेर कॉलेज के ऑफिशियल जीमेल पे, और वहाँ पे बताया गया है कि इन इंस्टीट्यूट कोड है मुंगेर का, ठीक है, और ये रोल नंबर, ये 4 रोल नंबर है, इस 4 रोल नंबर और सब्जेक्ट कोड के साथ उनके रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी इन्होंने जो रिवेलुएशन के लिए अप्लाई किए थे इनका पैसा बर्बाद किया। बाकी अगर कोई एक्स्ट्रा रोल नंबर वाले स्टूडेंट्स होंगे जो कि इसमें मेंशन नहीं है GP मुंगेर का, तो उनके रिजल्ट में सुधार हुआ है, परिवर्तन हुआ है, ठीक है, और वो जब यहाँ से डाउनलोड करेंगे रिजल्ट तो उनको
नया रिजल्ट देखने को मिलेगा। बाकी ये सब रोल नंबर है, ये डाउनलोड करते हैं तो इनको पुराना ही रोल रिजल्ट मिलने वाला है, जो कि मैं यहाँ पे आप सभी को चेक करके बताता हूँ। यहाँ पे पुराना ही रिजल्ट मिलेगा। तो ये थे सारा प्रोसेस साथियों कि किस प्रकार से रिवोल्यूशन का प्रक्रिया होता है, और आपके कॉलेज में नोटिस भेज दिया गया होगा, आप कॉलेज के अपने HOD या फिर जो भी कंट्रोलर है एग्जामिनेशन कंट्रोल, उनसे संपर्क कीजिए। तो आशा करता हूँ साथियों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।